नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का सारे गामा हम भोजपुरी पर एक गाना रिलीज हुआ था 2 दिन पहले और वो गाना का नाम नारियल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहला गाना खेसारी लाल यादव का जबरदस्त तरीके का तांडव मचाते नजर आ रहा है और पूरे देश में ये गाना दूसरे नंबर पर जब से रिलीज हुआ है तब से बना हुआ है और 4 मिलियन यानी कि 40 लाख के तकरीबन में इस गाने पर व्यूज मिलने वाले हैं। तो 2,13,000 से ज्यादा लाइक्स के साथ 66,000 से ज्यादा इस गाने पर कमेंट्स मिल चुके हैं। खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज में ये गाना है और शिल्पी राघवानी इस गाने में नजर आई हैं। इस कड़ी में खेसारी लाल यादव का एक और गाना को लेकर, जैसा कि मैंने कल आपको अपडेट बताया था कि वो गाना आने वाला था, फाइनली वो गाना रिलीज किया जा चुका है। जी हाँ, मैं बात करूं तो खेसारी लाल यादव का SRK म्यूजिक से दूसरा छठ गाना ठोका तानी ठेकुआ गाना जो है वो रिलीज कर दिया गया है और महज कुछ चंद घंटों में खेसारी लाल यादव के इस गाने पर 2 लाख के तकरीबन में व्यूज मिल चुके हैं। यानी कि 3 घंटे में खेसारी लाल यादव के इस गाने पर 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लाइक्स की बात करता हूं तो 55,000 से ज्यादा मिले हैं। 8,000 से ज्यादा इस गाने पर कमेंट्स मिल चुके हैं और गाना दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। मैंने जस्ट अभी गाना को देखा, सुना, गाना वाकई कमाल का लग रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने गाया है तो गाना तो भाई कमाल का होना है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि खेसारी लाल यादव के साथ इस गाने में यामिनी सिंह नजर आई हैं और यामिनी सिंह कितनी अच्छी अभिनेत्री हैं ये बखूबी आप जानते होंगे और उनकी जोड़ी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। तो आप लोग जाकर ठोका तानी ठेकुआ SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर गाने को सुन सकते हैं। बात कर लें, खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने गाया है, यामिनी सिंह नजर आई हैं, कृष्णा बेदर्दी इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और लिरिसिस्ट भी खुद कृष्णा बेदर्दी हैं। तो छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा आपसे कोई बताना चाहिए। तो कैसा लगा अपडेट हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।